दशहरे पर कोशिश ये है की अब की बार पोटास वगैरह जलाने के बजाय इसको इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक किया जाए। शहर की ही नहीं बल्कि हमारे ट्राई सिटी की सबसे पुरानी क्लब है। यह क्लब 1907 से हमारे बुजुर्ग उनके हाथों की लगाई हुई है। जय श्री राम। शुरुआत इसी से होनी चाहिए। अंजन जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एक शख्सियत नहीं है, ये हमारे भगवान है और इनकी लीला को मैं जो करेक्टर प्ले कर रहा हूँ पिछले 20 सालों से कर रहा हूँ। सर सर टू कैमरा सर आपका नाम क्या है? तरुण। सर आप राम जी का रोल कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले तो? जय श्री राम। शुरुआत इसी से होनी चाहिए। अंजन जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एक शख्सियत नहीं है, ये हमारे भगवान है और इनकी लीला को मैं जो करेक्टर प्ले कर रहा हूँ पिछले 20 सालों से कर रहा हूँ और बहुत अच्छा करेक्टर है। हमें सिखाता है कि हम मर्यादा में रहें और सबसे प्रेम भावना के साथ इस ज़िंदगी को जिए और जितना भी हो सके आपको इनके आदर्शों को अपनाना चाहिए। युवाओं को सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप आजकल देख रहे हो कि किसी टाइम पे आपके टाइम जब स्टार्ट किया था आपने बोल तो उस टाइम किले की मैं सुनता हूँ दोबारा बहुत सजी होती थी और पब्लिक बोलती थी, इस टाइम आप देखते हो कि वो पब्लिक भी नहीं है और क्रेज कम है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? रामलीला के प्रति जो नई जनरेशन है यूथ है उनमें इनके लिए ना रुचि नहीं है। अभी आजकल सोशल मीडिया वगैरह जितना भी है उन पर न्यू जनरेशन ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है और अगर वैसे हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको या नई जनरेशन के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को अपने बच्चों को संस्कार देने चाहिए कि राम के प्रति उनके वेद मर्यादा में जो सीखना चाहें वो श्री राम जी से सीख सकते हैं। ये सोशल मीडिया इन चीजों पर कुछ नहीं रखा। इस रोल के लिए आपने कितनी मेहनत की है पिछले 2-3 महीने? हाँ, सुना कि प्रेज वगैरह भी आपको करने पड़ते हैं, कुछ नीचे सुना इस तरह? हाँ, कुछ बिल्कुल अपनी जो स्टोरी मैंने, मैं 2003 में आ गया था इस क्लब में तो 2005 में मुझे फर्स्ट टाइम राम के करेक्टर के लिए चुना गया था और उसके 5 सालों तक सिर्फ मैंने रिहर्सल करी थी, रोल नहीं किया था, सिर्फ 5 सालों तक तैयारी की थी। फिर 2009 में मैं फर्स्ट टाइम राम के रोल के लिए पार्टिसिपेट किया था मैंने और अभी हम जब रामलीला शुरू होती है उससे 2 महीने पहले हम रिहर्सल्स करते हैं पूरे क्लब, नए लड़के सभी दिल से तैयारियां करते हैं, उसकी रिहर्सल्स लेते हैं ताकि स्टेज पर जितने भी हमारे सीन हैं वो बहुत अच्छे हों। पब्लिक को सर लास्ट में क्या मैसेज? पब्लिक को बस राम की तरफ से क्या राम, देखो मैं चाहूँगा कि जो राम श्री राम जी की मर्यादा है उसका पवित्रता को लोग अपनाएं और जितना हो सके उनके संस्कारों को आदर्शों को अपनाएं। थैंक यू। शहर की ही नहीं बल्कि हमारे ट्राई सिटी की सबसे पुरानी क्लब है। यह क्लब 1907 से हमारे बुजुर्ग उनके हाथों की लगाई हुई है और हम सभी इसी क्लब में अब सेवा कर इसको आगे बढ़ा रहे हैं और इस साल रामलीला के मंचन के साथ साथ हमारा दशहरा भी है और बड़े हर्षोल्लास के साथ हाउसिंग बोर्ड चौक शनि मंदिर के पास 24 तारीख को शाम को रावण दहन होगा और आप सभी से आग्रह है कि सभी आएं और इस पर्व का हिस्सा बने। दशहरे पर इस बार क्या कुछ विशेष लेके आए? दशहरे पर कोशिश ये है कि अब की बार पोटास वगैरह जलाने के बजाय इसको इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक किया जाए। और रामलीला के बारे कुछ दस दो रामलीला क्या खास सीन लेके आए इस बार ऐड करे हो? पिछले बार हमने कोई नया सीन ऐड नहीं किया क्योंकि अब की बार दशहरा है, तैयारी दशहरे के लिए ज्यादा करनी पड़ती है, इसलिए जो पीछे हमारी ऐतिहासिक रामलीला चलती आ रही है पिछले 116 साल से वही चल रहा है। ठीक है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।